अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है शिकायत करना, और शिकायत में वो दूसरों को दोषी बनाते हैं, दूसरों को दोषी ठहराते हैं। इसने ऐसा किया इसलिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, इसकी वजह से ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ मामलों में ये बात ठीक लगती है, अगर आप छोटे बच्चे हैं, अगर आप लाचार हैं या कोई परिस्थिति है, और ऐसा होता भी है कि अक्सर लोग बहुत सारे आपकी ज़िंदगी में परेशानियों का कारण बनते हैं, ऐसा होता है। लेकिन जब हम शिकायत करते हैं, हम समझदार हैं, हम बड़े हो गए हैं, हम अपना देख रेख खुद कर सकते हैं, उसके बाद जब हम शिकायत करते हैं तो कुछ ठीक नहीं लगता। और आपको क्या लगता है कि जिसके बारे में आप शिकायत कर रहे हैं वो अपनी गलती मान लेंगे और उससे आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा? ऐसा भी नहीं होता। तो इसका मतलब है कि ये जो आदत है कि हम किसी की कंप्लेन करें या हम शिकायत करें और हमारी ज़िंदगी में कोई बदलाव हो, और जब इससे कोई बदलाव नहीं होता है तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप खुद अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी गलतियों को देखें, इत्मीनान से बैठिए, सोचिए, और आपको अपने प्रति बहुत क्रूर होना पड़ेगा, रूथलेस होना पड़ेगा, और आपको अपनी सारी गलतियाँ अच्छी तरह देखनी पड़ेगी, उसकी कोई सफाई आप नहीं दे सकते। और आप ये देखेंगे कि आपने कहाँ गलती की, क्या आपने मिस्टेक की, और जब आप अपनी गलतियों को मानना शुरू करेंगे और आप मान करके उनको थोड़ा 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 इम्प्रूवमेंट करना शुरू करेंगे तो इससे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, किसी और की ज़िंदगी में बदलाव नहीं आएगा। तो इस लेकिन उन बातों को महत्व नहीं दे रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें पैदा करती है। हर आदमी अपने बारे में सबसे पहले सोचता है, और डेल कार्नेगी की अगर आपने किताब पढ़ी हो How to Win Friends and Influence People, वो बार बार एक बात को कहते हैं कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो हम खुद हैं। और जब हर व्यक्ति अपने बारे में ही सोचता है तो इसका मतलब है कि उसकी प्रायोरिटी वो खुद है। और इसीलिए आप भी अपनी प्रायोरिटी बनिए, लोगों को दोष देना बंद करिए, और उन सब बारीकियों पर ध्यान दीजिए जहाँ हो सकता है आपकी पर्सनालिटी में, वर्किंग स्टाइल में, सोचने के तरीके में, व्यवहार में, बोलचाल में, रोज़मर्रा के काम में कहीं ना कहीं आप में कमी है। उन कमियों को जब आप दूर करना शुरू करेंगे, उन पे काम करना शुरू करेंगे, तो आपकी प्रोग्रेस आपका सब कुछ सच्चाई बोल देगी। और मुझे नहीं लगता जब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, फिर आपके पास किसी के लिए शिकायत करने का टाइम होता है। तो सबसे बेहतर है अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपनी गलतियों को बारीकी से देखिए और उन्हें सुधार कीजिए।